आज उनको सीएम कहा जाता है, मगर वो सीएम नहीं है, वो राजा जैसे काम करते हैं। मन अंदर चीफ मिनिस्टर अट्ठा प्रजास्वाम्य मुख्यमंत्री उन्नाको आय राजुला विवरता परिवार को मिलता है पूर्ति स्थाई मत वार संबंधी यावत् वन पूर्ति स्थाई कुटा चंदत मन वार कुटा संबंध व्यक्ति प्रति लाभ जो मगर अगर आप किसान के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो, तो आप कोई भी सपना तेलंगाना में नहीं पूरा कर सकते। राहुल जी कुटुंबे कार्मिक कुटुंबा वीर बलिदार संबंध कुटा प्रयोजन चंदते लाभ जो मैं पता नहीं आपकी जमीन कब छीन ली जाएगी, आपका पानी आपसे कब छीन लिया जाएगा। नी भूमि एपड़ गुंजुको मन को चंदा नील चंदक उड़े प्रमादमी पानी की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है। नील गुरी माटाते प्राता संबंधी नीति प्राजेक्ट उदाहरण 1,00,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से यहाँ चोरी हुआ। फायदा नहीं हुआ प्राता एकर नील रे वारी काटर के मेल जो परिवार कुटा मेल जो मजदूर को कोई फायदा नहीं मिला। ఎవరికి లాభం జరగలేదు ఇది తెలంగాణలో జరుగుతా ఉన్న సత్యం నిజమని చెప్తా ఉన్నాం। ఏ మత సోచియే కి బిఆర్ఎస్ అకేలి హై మీరందరూ కూడా అక్కలు చెల్లెలు అన్నలు తమ్ములు ఈ రోజు బిఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే పార్టీ కాదు బిఆర్ఎస్ బీజేపీ ఆర్ ఎంఐఎం तीनों एक साथ मिले हुए हैं। बीजेपी बीआरएस एमआईएम पार्टी कल से पानी और मैं ये आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। ने चाला सुनी अंदर अर्थम चेपिस्ता पूरा देश जानता है कि मैं बीजेपी से लड़ता हूँ। मतलब देशमंत वार राहुल गांधी गारु बीजेपी की व्यतिरेक पोराटम 24-25 केस मेरे ऊपर 24-25 केसल पटेर मेरा घर छीन लिया। राहुल गांधी गारी इंदर मेरी जो लोकसभा की मेंबरशिप थी उसको रद्द कर दिया। लोकसभा सदस्यत्वम रद्द चेयडम जरिगिंदी। मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ मेरा माइक ऑफ कर देते हैं। पार्लियामेंट लो प्रजल तरफ माटाडदामंटे माइक कूडा ऑफ चेसे कार्यक्रम चेस्ता उन्नारु। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, विपक्ष के सब लोगों के पीछे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मगर आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं, ना ईडी ना बी ना सीबीआई ना इनकम टैक्स। विपक्ष संबंधी चारा मंदिर सभ्य ईडी के सीबीआई केस इनकम टैक्स केस इदे मुख्यमंत्री पैना सीबीआई ईडी इनकम टैक्स केस बीजेपी हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के। मरी देश अत्यंत अवनीति परुड़ मुख्यमंत्री राष्ट्र मगर कोई इंक्वायरी नहीं। ये इंक्वायरी चले बीजेपी पार्टी क्योंकि एक साथ काम करते हैं। पार्लियामेंट में देखिए जहां भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है बीआरएस एकदम उनका समर्थन करता है। वीरिदर कलसी पैन व्यक्ति रेंडु पार्टी पार्लियामेंट ये बिल्लु प्रवेश बीजेपी पार्टी बिल्लु प्रवेश दाखी पूर्ति स्थाई मदत कल बीआरएस टीआरएस पार्टी एमआईएम की बात करें तो जहां भी कांग्रेस पार्टी
बीजेपी से लड़ती है, एमआईएम अपने टिकट खड़ा अपने लोग खड़े कर देती है। ये एमआईएम विषय एक्डते कांग्रेस पार्टी बीजेपी तो पोराटो आ राष्ट्रक एमआईएम पार्टी बीजेपी की सपोर्ट विधा अभ्यर्था उनके कैंडिडेट देखिए सारे के सारे बीजेपी की मदद करने के कैंडिडेट है। वाल अभ्यर्मआईएम अभ्यर्थ मोता मत बीजेपी की सपोर्ट व्यक्त असम में महाराष्ट्र में पूरे देश में ही अपने कैंडिडेट्स डालते हैं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के। असम महाराष्ट्र मोतम देश व्याप्त एमआईएम बीजेपी की सपोर्ट अभ्यर्थी कांग्रेस पार्टी की व्यतिरेक पे हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। मैं सिद्धांत विरुद्ध आरएसएस बीजेपी सिद्धांता विरुद्ध मैं पोरा आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी मुझे मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये भाइयों और बहनों ये राजनीतिक बात नहीं है, ये खून की बात है। मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। और मैं आपको बताता हूं, जितना ये आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है। बीजेपी आरएसएस विरुद्ध उतनी मुझे खुशी आती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। कल मैं तेलंगाना में अपनी बहन को लाया सोदरी मणि तेलंगाना की तीसरावटम जरिगिंदी। आपने अपने आप से पूछा कि मैं अपनी बहन को यहां क्यों लाया? मीर अडिगंडी नेनु एंदुकु मा सोदरी मणि प्रियंका गांधी ने एंदुकु तीसुकोच्चामनि। मैंने प्रियंका से मैंने कहा देखो मैं तेलंगाना जा रहा हूं, मेरा तेलंगाना से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। प्रियंका गांधी गारा प्रजुक राजकीय अनुबंध का कुटुंब परंग अनुबंधम। मैंने उसे कहा रिश्ता जो है पारिवारिक रिश्ता, ये तुम्हारा और मेरा सिर्फ नहीं है, ये हमारी दादी का भी रिश्ता था। ये अनुबंध केवल नाके का उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का रिश्ता था। इंत मु जवाहरलाल नेहरू गारुबंधन हमारा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मन इधर मध्य अनुबंध राजकीय परंग अनुबंधन का ఇది కుటుంబ పరంగా ఉన్న అనుబంధం, ప్రేమ వివాహంతో ఉన్న అనుబంధం, ఆత్మీయతో కూడుకున్న అనుబంధం అని తెలియజేస్తా ఉన్నా.
जो राजनीतिक निष्ठा वाले लोग होते हैं वो भाषण में झूठ बोल जाते हैं। राजकीय अनुबंधंतो ఉన్నవారు వచ్చి ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా సత్వదూరంగా అబద్ధాలు చెప్తనే ఉంటారు। नरेंद्र मोदी आके आपसे कहेंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रूपये डाल देंगे। नरेंद्र मोदी గారు అందరికీ చెప్పారు ప్రతి కుటుంబానికి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామన్నారు। నోట్ బందీ से కాలేధన్ के खिलाफ लड़ाई लड़ जाएंगे। నోట్ రద్దు तो మరి నల్ల ధనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తామన్నారు। जीएसटी से गरीबों का फायदा होगा। एक के बाद एक झूठ बोल जाते हैं। जीएसटी द्वारा पेद वारी उपयोगपड़े कार्यक्रम अबद्ध मारतने। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर उन्होंने आपसे कहा और दलित गरीब व्यक्ति को 3 एकड़ जमीन दूंगा। उनको तरफ इन मुख्यमंत्री गुजर पेदवार की 3 एकड़ भूमि इतना। मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया। मेरे अबद्ध चप्पा की रेके मैं अपने परिवार के लोगों से झूठ नहीं बोलता। इधी मन कुटुंबं इकड़ा నేను అబద్ధాలు ఆడటానికి రాలేదు। ఎవరితోనైతే ప్రేమ రాగంతో ఉంటానో వారికి నేను అబద్ధాలు చెప్పను। ఇక్కడ చాలా మంది మహిళలు వచ్చారు। మీరందరూ వినండి। ప్రదేశ్ కా బోజ్ ఆప్కే కంధో పే పడతా హై। మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది। ఆప్ సుబే ఉఠతీ హై మహంగాయి కి చోట్ ఆప్కో లగ్తీ హై। మీరు పొత్తుల్లో ఉండనే పెరిగిన ధరలపై ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు। ఆప్కే బచ్చో కో రోజ్గార్ నహీ మిల్తా దర్ద్ ఆప్కో హోతా హై। మీ పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశం లేక మీకు నిత్యం ప్రతిరోజు బాధపడతా ఉంటారు। ఖానా పకాతీ హై తో 1000 రూపాయ కా సిలిండర్ లగ్తా హై। మీరు వంట వండినప్పుడు వంటలు చేసుకోవడానికి 1000 రూపాయలు సిలిండర్ మొత్తం ధర గురించి ఆలోచించండి। బస్ మే జాతీ హై ఆప్కో టికెట్ ఖరీదనే కా పైసా దేనా పడతా హై। మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే బస్సు టికెట్లు కొనాలి దాని అది కూడా పెద్దగా భారం పడతా ఉంది। జేసే హమారీ సర్కార్ యహాన్ ఆయేగి ఈ రాబోయే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో పహలే దిన్ సే తెలంగాణ కి మహిళాఓ కే బ్యాంక్ అకౌంట్ మే హర్ మహీనే 2500 రూపాయ పంచే। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారం వచ్చిన తర్వాత మొదటి రోజు నుంచి తెలంగాణకు సంబంధించిన మా అక్కలు చెల్లెలు ఆడపడుచులు వారింటికి ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। 500 రూపాయల సిలిండర్ మిలేగా 500 రూపాయలకు గ్యాస్ మొత్తం దొరుకుతుంది। తెలంగాణకి హర్ మహిళా తెలంగాణకి కోనే కోనే మే ముఫ్త్ మే బస్ మే జాయేగి। తెలంగాణకు సంబంధించిన మన ఆడపడుచులందరూ నలుమూలల బస్సు ప్రయాణం చేయడానికి ఉచితంగా ఫ్రీగా బస్సు ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది। తెలంగాణ మే లహర్ ఆ రహీ హై కాంగ్రెస్ పార్టీ కీ లహర్ హై। మీరందరూ చూస్తా ఉన్నారు గాలి వీస్తా ఉంది యావత్ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గాలి। ఆప్ యాద్ రఖనా మేనే ఆప్ క్యా బోలా ఔర్ జేసే హమారీ సర్కార్ ఆయేగీ ఆప్ దేఖనా ఆప్ పూచ్నా అప్నే ఆప్ సే जो राहुल गांधी ने कहा था क्या सच कहा था या झूठ बोला। मेरे अंदर गुर्तपेकोजु ने माला प्रति माट कांग्रेस पार्टी प्रभुत् तरह बेरूजी राहुल गांधी गाट करेक्ट माला अगर पहले सच्चाई समझना चाहती है तो कर्नाटक चले जाइए और कर्नाटक में किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो बस में फ्री में जाती है हाँ या ना। मेरे निजन दलवाले కర్ణాటక సంబంధించిన ఎవర్నైనా అడగండి ఆ కర్ణాటక సంబంధించిన అక్క చెల్లె అక్కడ ఫ్రీగా బస్సులో ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారా లేదో కనుక్కోండి అని చెప్తా ఉన్నా। ఉంచే పూచ్ లీజియే ఇన్కో బ్యాంక్ అకౌంట్ మే పైసా హర్ మహీనే ఆతా హై హా యా నా। వారు అక్కడ ఉన్న మహిళలను అడగండి ప్రతి నెల మరి 2000 రూపాయలు అక్కడ కర్ణాటక సంబంధించి మరి ఇంటికి డబ్బులు వస్తున్నాయా లేవో అని అడగండి। ఉంచే పూచియే क्या वो 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं हाँ या ना। वाल इंट्रो अकड़ा कर्नाटक
వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుకొని సిలిండర్ గుట్టా ఉన్నారా లేదా అడగండి భాయో బహనో सबसे जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं अकलोरा मुख्यमंत्री विषय चपदल हिंदुस्तान में अलग अलग समाज के लोग देश विविध वर्ग संबंधी प्रजल ओबीसी है दलित है आदिवासी है माइनॉरिटीज के लोग हैं जनरल कास्ट के लोग देश ओबीसी महिला एससी एसटी माइनॉरिटी अदे विधंगा जनरल ओसी कैटेगरी की संबंधी व्यक्त हम चाहते हैं कि सब लोगों की भागीदारी हो हिंदुस्तान को चलाने में कोरता हूं देशा की संबंधी संपदल वाटा प्रति ओक पौरत पौर की चंदे विधंगा आलोचन चेस्ता हूं आज तेलंगाना में किसी को नहीं मालूम कि तेलंगाना का धन कहां जा रहा है किसके हाथ में राष्ट्र संबंधी संपद एक्ड़े होता ये विधा खर्च अवरकी अगर मैं आपसे पूछूं कि तेलंगाना में पिछड़ों की क्या आबादी है आप मुझे नहीं बता सकते मिम्मेल्लू अड़ते तेलंगाना संबंधी ओबीसी संबंधी जनाभा इंतुटे जनाभा चलो मैं आपसे पूछता हूं मुझे बता दो तेलंगाना में पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है ये रोज मैं अड़ता हूं तेलंगाना को संबंधी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी संबंधी जनाभा इतने वार दर समाधान देखो हजारों लोग खड़े हैं मगर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता ये रोज वेला मंदिर मैं अड़गे प्रश्न की एवर समाधान चपलेकता इधी करेक्टा का मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया पार्लियामेंट माता और मैंने सवाल पूछा नैनों प्रश्न अड़गना कि आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में ओबीसी की कितनी आबादी है मैं समझना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं मेरे प्रश्न अड़गना पार्लियामेंट मतम देश जनाभा बीसी संबंधी जनाभा एंता ये विधम सामाचार अड़ा भाई और बहनों हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं अकलराज मत भारत देशा 90 मंदिर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संबंधी कैबिनेट सेक्रेटरी मिगता सेक्रेटरी ऑफिसर ऐसे ही तेलंगाना को चुने हुए अफसर चलाते हैं इकड़ी मंदिर अधिकार प्रभुत्ता 70-80 लोग तेलंगाना को चलाते हैं 70-80 मंदिर राष्ट्रीय अधिकार आपके चीफ मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं वो चलाते हैं चीफ मिनिस्टर गारु आदेशिस्तारु आ 70 मंदिर अधिकार राष्ट्रीय नड़पिस्ता उंटारु अब मैंने पार्लियामेंट हाउस में सवाल पूछा मैंने कहा कि देखिए ये 90 अफसर हैं ये हिंदुस्तान के पूरे बजट पर निर्णय लेते हैं डिसीजन लेते हैं ये मैं पार्लियामेंट अड़ी मंदिर अधिकार देश जनाभा को संबंधी पूर्ति स्थाई मरी उन्ना बजट पूर्ति स्थाई नियंत्रण चेस्ता मैंने पूछा कि 90 लोगों में ओबीसी कितने हैं मैं अड़ना 90 मंदिर अधिकार बीसी की संबंधी वो इतना अधिकार और इनको बजट पे कितनी हिस्सेदारी है वीलक बजट वाटादन उदी भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं मी अंदर की मरक विषय चपदल 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं 90 मंदिर अधिकार केवल मुगरे बीसी संबंधी अधिकार और सिर्फ 5% बजट पर निर्णय लेते हैं मुगर केवल 5% संबंधी बजट दाखिल निर्णय क्या ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है हिंदुस्तान में ओबीसी संबंधी जनाभा 5% वर के अड़ता इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान को और तेलंगाना को एक एक्सरे की जरूरत है
అందుకో